हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर, जिसको बोलते हैं हम जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स भी। ठीक है, मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हर्षद झालानी आप लोगों के साथ आज बड़े मज़े करके, और हम बहुत आसानी से इस सीरीज को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फॉर द एस्पिरेंट जो नीट 2023 में अपना ड्रीम स्कोर अचीव करना चाहते हैं, अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पहल बैच है, एक पहल है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप लोग को का सिलेक्शन कहीं से भी ना रुक पाए। ठीक है, मार्क्स अच्छे, सिलेक्शन अच्छा। देखो सीधी बात, नो बकवास, मार्क्स अच्छे चाहिए। ज्वाइन द बैच विद द टॉप एजुकेटर्स विद आनंद मनी सर। और कैसे एनरोल करना है प्लस पे, यूज द कोड आनंद। इफ यू फील एनी इशू यू कैन रिजॉल्व योर क्वेरी ऑन दिस नंबर। प्लस टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लें, दैट इज t.me/anandmani001, जिस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, कोर्सेज, लेक्चर टाइम टेबल्स, माइंड मैप्स, DPPs, हर एक चीज मिलने वाली है। ठीक है, इन फटाफट रेगुलर अपडेट्स अबाउट नीट एग्जाम ज्वाइन दिस चैनल एंड anand/mani16 इंस्टाग्राम को जल्दी से आप ज्वाइन कर लो। सब लोग होंगे ही एक्टिव, आ जाओ, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, पढ़ाई का माहौल बना रहेगा, है ना जी। और अगर आपको कोई कोर्सेज के बारे में क्वेरी करनी है, एनी DPPs, व्हाट यू रिक्वायर्ड रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, गो विजिट द वेबसाइट, यू विल गेट वन स्टॉप सॉल्यूशन आउट हियर। ठीक है जी। सो प्लस पे आपके साथ लाइव टेस्ट होने वाले हैं, स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, चैट विद योर फेवरेट एजुकेटर, सब कुछ यहाँ पे प्लस पे मिलने वाला है पहल बैच में। ठीक है जी। सो पहल बैच ज्वाइन करें नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, ये एक सुनहरा मौका है। दीज आर द एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू टीच इन इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको कहीं नहीं जाना, आना है और चुपचाप पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप वन से, जहाँ पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक आंसर करेक्ट होगा चार ऑप्शन में। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम किसका, क्लोरीन का। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन यू हैव बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ब्राइन का विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, बाय ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, योर सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इसको NaCl+H2O, और यहां पे अपन कर देते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलते हैं अपने को, डिजाइन प्रोडक्ट मिलते हैं NaOH+H2+Cl2, है ना, एनोड कैथोड पे ये रेस्पेक्टिव गैसेस मिल जाती है और NaOH प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज द ब्राइन प्रोसेस, है ना, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या हमसे पूछ रहा है ऑप्शंस के अंदर। ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- आयन टू क्लोरीन गैस, ऐसा होता है क्या, Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ है क्या, -1 से 0 टू क्लोरीन गैस अकर्स, देन रिडक्शन ऑफ Cl- टू क्लोरीन गैस अकर्स फॉर ओवरऑल रिएक्शन, नहीं ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, फॉर ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा जी नॉट हैज नेगेटिव वैल्यू। हाँ, फिजिबल प्रोसेस है, इसको हम हमेशा बोल सकते हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल गलत, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, एक तरीके से यहाँ पे रिडॉक्स हो रही है ना। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन कॉपर ओर, कॉपर ओर को क्या करा गया, मिक्स करा गया विद सिलिका इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, इन रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको मिक्स करा गया है, कॉपर मैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कॉपर मैट क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपर मैट नथिंग, इट इज योर सल्फाइड्स ऑफ कॉपर एंड आयरन, उसे कॉपर मैट किया जाता है, कहा जाता है। कॉपर वन होता है, और कॉपर वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और आयरन टू में, ये भी बहुत क्लियरली मैंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है जी, चले आगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ योर ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन क्या, तो या इसको एक और वर्ड कहा जाता है बच्चों, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। क्या कहा जाता है, और
सेल्फ रिडक्शन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन मतलब खुद ही से, मतलब खुद ही से, तो खुद ही से रिएक्शन यहाँ हो रही है, कॉपर मेटल अकेला ऑप्टेन हो जाता है और SO2 गैस रिलीज हो जाती है। दैट्स वेरी सिंपल, इट इज अंडरस्टूड। कॉपर गैस मिलेगी और यू विल गेट SO2, ठीक है जी। चले आगे, चलिए। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट, बट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर, दैट इज एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जोन रिफाइनिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जोन रिफाइनिंग बेस्ड है इंप्योरिटीज इन लो वॉल्यूम एंड नो इन मोल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। यस, जोन रिफाइनिंग इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इंप्योरिटीज आपके ज्यादा सॉल्यूबल है कहाँ पे, इन मोल्टन मेटल में देन इन सॉलिड मेटल। लिक्विड मोल्टन स्टेट में ज्यादा इंप्योरिटीज सॉल्यूबल है रेदर देन मोल्टन में। ऑन दिस प्रिंसिपल यू हैव द जोन रिफाइनिंग प्रोसेस विथ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, है ना, एक्सट्रैक्शन कॉपर का कर रहे हैं, किससे? उसके ही सल्फाइड ओर से कर रहे हैं, ठीक है। द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CuTuO विद मेटल, कम बनेगा। अभी अभी बताया कॉपर का सल्फाइड ओर है Cu2S, और कॉपर का किसके साथ करोगे? CuO से, तो Cu मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा। यही तो था रिएक्शन, कॉपर सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड और CuTuS हो गया, और ये आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, ठीक है जी। चले आगे, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रॉन, द रिएक्शन एट एनोड इज, ठीक है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, कौन सी गैस होती है? एनोड पे होती है, ध्यान रखना, एनोड पे होती है Cl2, कैथोड पे लिबरेट होती है आपकी H2 गैस, ठीक है, इस तरीके से लिबरेशन। अब देखो Cl2 गैस किधर है? ये नहीं, ए ऑप्शन में। E0 सेल की वैल्यू बस कंफ्यूजन के लिए दे रखी है, इससे कोई इतना मतलब नहीं है, आपको बताना है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। ब्राइन सॉल्यूशन क्या? NaCl प्लस वाटर, अभी बताया भी था, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, तो आपको NaOH के साथ साथ Cl2 और हाइड्रोजन भी मिल जाता है। दैट्स इट, जो Cl2 होती है वो एनोड पे होती है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है जी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, किसके बारे में फोकस है? मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम मतलब टॉप पे आता है ये रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। Al+3 इज ऑक्सीडाइज टू Al, नो, ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन गैस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन ऑफ एनोड, नो नो नो, ग्रेफाइट एनोड रहता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्योरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इनमें से कौन से प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं? तो कॉपर जिंक है, इनके लिए नहीं करते, जर्मेनियम ये तो अलग प्रोसेस आते हैं, लिक्विड मर्करी ये भी नहीं है, जिंक ज़ेरा और टे मॉन्ट्स प्रोसेस, ये मॉन्ट्स प्रोसेस उस तरीके के होते हैं, है ना, CO4 को ऐड करके। कॉपर एंड जिंक इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, एक्सट्रैक्शन किसका? गोल्ड का और सिल्वर का, इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल ऑफ Cn- आयन, इन्वॉल्व्स लीचिंग ऑफ द मेटल विद Cn- आयन, द मेटल इज रिकवर्ड बाय, द मेटल इज रिकवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एंड रोस्टिंग ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, कैल्सिनेशन फॉलोड बाय रोस्टिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल का। सो सिंपली इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, सिंपल मैथ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय द अदर मेटल्स। चलिए अब 11 to 13 ये इस पे बेस्ड है, ठीक है, पूरे इस ग्राफ पे बेस्ड है, तो अच्छे से देख लो, ये Δg0 वैसे टेम्परेचर है, मैंने बताया भी था एलिंगम डायग्राम है ना, आपको देखना है उसके नीचे वाला रिडक्शन कर देता है उस ऊपर वाले का। अब टेम्परेचर और पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें आंसर डिस्कस करना है। चलिए देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर एट विच Fe कार्बन रिड्यूसेस
FeO2 आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO. कार्बन है और FeO है, तो ये बन जाए आयरन प्लस CO. ठीक है जी, ये C से CO वाली रिएक्शन फिजिबल हो जाए, है ना, C से CO वाली रिएक्शन फिजिबल होनी चाहिए. ठीक है, कहाँ पे होगी, बिलो टेम्परेचर A, अप्रोक्सीमेटली एट A, एट अबाउ टेम्परेचर A, A और D के बीच में, देख लेते हैं इसमें ग्राफ में, मतलब आपकी FeO प्लस सी एफ ई प्लस सी ओ बन जाए. ठीक है जी, ये देखना है आपको. तो सी से सी ओ वाली रिएक्शन की तरह हमारी सी से सी ओ वाली ये रही, यहाँ पर सी से सी ओ वाली रिएक्शन ये रही ना, सी से सी ओ. ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका एफ ई ओ से एफ ई जा रहा है ना, एफ ई ओ से एफ ई, ये रहा एफ ई से एफ ई ओ जा रहा है, और ये जा रहा है सी से सी ओ, ये रहा पॉइंट ए इनका इंटरसेक्शन. ये अब पॉइंट ए के ऊपर होगी नीचे होगी ये हमें डिस्कस करना है. सो भाई रिएक्शन का फिजिकल ऑब्वियसली ये आता है अबाउट द टेम्परेचर है पॉइंट ए, ऊपर भाई ऊपर इधर जाओगे तो टेम्परेचर कम है ना, लो टेम्परेचर पे फिजिकल टेम्परेचर कम है. ठीक है, अबाउ पॉइंट ए के ऊपर फिजिबल हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, बिलो पॉइंट ए एफ ई ओ कैन, बिलो पॉइंट ए एफ ई ओ कैन, पॉइंट ए के बिलो, ओके एफ ई ओ कैन है, देख लेते हैं. हाँ, रिड्यूस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, करेक्ट. नेक्स्ट, फॉर द रिडक्शन ऑफ एफ ई ओ द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देख लेते हैं. अब वो पॉइंट डी, पॉइंट डी से ऊपर का, ओके ये वाला पॉइंट है. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शन है. पूछा गया है एफ ई ओ का रिडक्शन कर रहे हैं एट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेल्टा जी वैल्यू फॉर द ओवरऑल, डेल्टा जी वैल्यू फॉर द ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज जीरो. बिल्कुल सही, डेल्टा जी वैल्यू फॉर द ओवरऑल रिडक्शन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज जीरो. बिल्कुल सही स्टेटमेंट, नो इश्यूज. आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पार्ट टू में, जहाँ पे मोर देन आपके मोर देन टू और मोर ऑप्शंस में भी करेक्ट, तो आपको देखना है और समझना है. बेटा ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो जस्ट रीड एनसीईआरटी, यू विल गेट इट मोर क्लियर. ठीक है, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जहाँ पे बस मैं एलिंगम डायग्राम्स को अच्छे से डिस्कस करूँगा, है ना, तो एलिंगम डायग्राम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना. चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, एट अ टेम्परेचर, वही उसी से रिलेटेड है, एट द टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग टू द इन द फिगर 6.1, 6.1 ही है क्या ये फिगर, हाँ ये 6.1 है. इस फिगर को यहाँ ले आते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड, है ना, इसको उठाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं. ये लीजिए, यहाँ आ गया ये क्वेश्चन. ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है इससे. टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एफ ई ओ विल रिड्यूस टू एफ ई बाय कपलिंग रिएक्शन एफ ई ओ दिस विद ऑल द फॉलोइंग रिएक्शंस ए बी सी डी, ए बी सी दे रखे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कि कब कब फिजिबल होगी, ठीक है, कब कब ये फिजिबल होगी हमें ये बताएं, देख लेते हैं. तो भाई एफ ई ओ से दिस, तो अबव पॉइंट डी एंड ई, ठीक है भाई, यहाँ से नीचे से आ रहा है, बीच में तो डेल्टा जी जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट डी और ई, नहीं बी और ई होने चाहिए, हाँ बी और ई, ये है ना न्यूट्रल पॉइंट, सी से और सी ओ टू बनाने वाले, बी और ई के ऊपर, बी और ई के ऊपर होने चाहिए. तो ये बी और ई ऑप्शन, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है आपको. ठीक है, कास्ट आयरन के बारे में भी गिवन है, सबके बारे में गिवन है. कास्ट आयरन इज री मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग द हॉट एयर ब्लास्ट, बिल्कुल सही. इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड इन एज अ कॉन्टेनर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. निकल प्योरीफाइड बाई जोन रिफाइनिंग, नो, वॉन्ट प्रोसेस इनसे होता है. ZN TI by वॉन आर्कल I2 के साथ, यस बिल्कुल सही. ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम,
बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन करते हैं जब हम एल्यूमिनियम का। प्योरीफाइड Al2O3 इज मिक्सड विद Cf2। Al2O3 से C को Cf2 के साथ मिक्स किया जाता है, क्यों? लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, यस। इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ मोल्डिंग मिक्सचर, यस। नहीं, बस इसके अलावा भाई, क्योंकि यार इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की तरफ से, तो उसको लोअर करने के लिए इसको ऐड किया जाता है, प्लस इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैव अ की रोल, की रोल इन वॉट, इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, देख लेते हैं। कलेक्टर्स इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, बिल्कुल सही। कलेक्टर इनहेंस नो गैंग नहीं, मिनरल पार्टिकल्स की इनहेंस होती है। डिप्रेसेंट इन द प्रोसेस टू सल्फाइड ओर्स, यस। NaCN एज अ डिप्रेसेंट यूज किया जा सकता है, बिल्कुल सही। फोर्स स्टेबलाइजर डिक्रीजेस वेटेबिलिटी ऑफ गैंग, नो नो, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। इन द फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड भी है, इनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है? कलेक्टर से नहीं, एडजस्टिंग ऑयल प्रोपोर्शन टू वाटर, बिल्कुल सही। ठीक है, इससे करा जा सकता है। डिप्रेसेंट NaCl डालते हैं, स्टेबलाइजर तो फ्रोज बनाने के लिए उसमें काम आता है। सो ऑयल टू वाटर प्रोपोर्शन में सॉलिबिलिटी का डिफरेंस आ जाएगा, इससे सेपरेट कर सकते हैं। कॉमन इम्प्योरिटीज ऑफ इन बॉक्साइड, बॉक्साइड होता क्या है, योर Al2O3.2H2, ये बॉक्साइड है। अब इसमें कॉमन इम्प्योरिटीज क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज Fe2O3 एंड SiO2, रेड बॉक्साइड, व्हाइट बॉक्साइड, ये पढ़ते हैं ना अपन अक्सर पैक्स प्रोसेस एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ रोटेशन, तो आपको फोकस करना है कौन से ओर्स को, सल्फाइड ओर्स को मेनली फोकस में लेना है। तो गैलेना, यस, सल्फाइड ओर है, हेमेटाइट ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट भी ऑक्साइड है, आयरन Fe3O4 है, एक Fe2O3 है, कॉपर पायरेट CuFeS2, ये भी सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर मतलब ये फ्लोथ रोटेशन मतलब आपको बता रहा है किसकी तरफ देखना है, सल्फाइड ओर्स की तरफ देखना है, सल्फाइड ओर्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के दौरान कौन सी रिएक्शन हो सकती है? अब बेसिकली कैल्सिनेशन का प्रोसेस ध्यान होना चाहिए पहले तो। कैल्सिनेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर हीटिंग, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दो। ठीक है, तो ये रहा ऑक्साइड, ये रहा Al2O3, ये रहा, यहाँ पे देख लो प्रेजेंस ऑफ एयर आ गया, तो ये तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये तो रोस्टिंग हो गई। ठीक है, कार्बोनेट ऑक्साइड सोर्स को हीट करना, तो ये हो गया आपका कैल्सिनेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कैल्साइंड ओर कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन, हेमेटाइट, कैलेमाइन, आयरन पायरेट, स्फेलराइट, नहीं हो पाएंगे, सल्फाइड आ जाते हैं इस वजह से, सेम रीजन। द मेन रीजन इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हीमेटाइट ओर, फ्रॉम हीमेटाइट ओर कौन सा होगा? ठीक है, तो ये रहा, ये रिएक्शन होगी Fe2O3, ये रहा। ठीक है, एक तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी और एक स्लैग बनना, ठीक है, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4। तो ये प्रोसेसेस होते हैं ना, डायरेक्टली मेंशन भी है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इन द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन यू हैव मेटल इज कन्वर्टेड टू इट्स वोलेटाइल कॉम्पोनेंट एंड अगेन इट इज बीइंग डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल, ऐसा कहाँ पे होता है, किससे कहाँ, मतलब अपन हीटअप करते हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आयोडीन के साथ करते हैं ना, इम्प्योरिटी रिएक्ट करती नहीं है, मेटल ही करता है कॉम्प्लेक्स बनाने, निकल की टेंडेंसी NaCO4 बनाने की, ZR जिरकोनियम, ZrR4, फिर वापस से डिकम्पोज करके ZR ले आते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी करती नहीं है, मेटल कर लेता है, तो रिएक्शन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अ डिप्रेसेंट सर्टेन टाइप कम्स टू मेक फ्लो टू द फ्लोर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर बैटरी फर्नेस हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ SO2 ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल करेक्ट। कॉपर माइट कंटेंस नहीं, जिंक एंड नहीं, सेल्फ रिडक्शन कॉपर का होता है, ठीक है, गलत हो गया। नेक्स्ट, एन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन, ठीक है, ओके, क्लोरीन को ब्राइन से निकालना है।
डेल्टा जी नॉट ऑफ ओवरऑल नेगेटिव रहता है क्या? नहीं, डेल्टा जी नॉट ओवरऑल पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल सही है। ई नॉट सेल, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो आपका ई नॉट नेगेटिव होगा, तो ई नॉट नेगेटिव ये हो गया, 2 और 3 आंसर हो गए। ठीक है, ई नॉट नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन करोगे तो बिल्कुल ठीक है जी। चलें आगे क्या, चलो अब हम करते हैं मैचिंग टाइप, जहाँ पे आपको एक एक भी मैच मिल सकता है सही, या एक से ज़्यादा भी मैच आपके करेक्ट हो सकते हैं, है ना। इट डिपेंड्स कि आपको कैसे करना है मैचिंग टाइप, बहुत ध्यान से समझना और करना मैचिंग टाइप्स। चलिए, वाओ नाइस क्वेश्चंस। देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 में असाइंड हैं और आपको इनको मैचअप करना है, ठीक है जी। चलिए कर लेते हैं। पेंडुलम, पेंडुलम का एकदम आइडिया नहीं आ रहा है तो रुको, मेलेचाइट पे पढ़ो। मेलेचाइट ग्रीन, सी यू सी ओ थ्री डॉट सी यू फोर ओ एच फोर होल टू, तो ये आ गया ना, यहीं से आ गया, बी का फोर्थ है तो यहीं से आंसर आ गया, बी का फोर्थ ये रहा, तो यही आंसर है, बस बात ही खत्म। देख लो बाकी, सी का 5 कैलेमाइन आता है, जेड एन सी ओ 3 बिल्कुल सही, डी का 3 क्रायोलाइट होता है, एन ए 3 एल एफ 6 बिल्कुल सही, और पेंडुलम किससे बना होता है? पेंडुलम होता है आपका निकल स्टील से, ठीक है, याद रहेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज बीइंग असाइंड हियर करेक्टली, मैच करना है अपने को कलर बैंड्स इन सबको, तो देख लेते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मर्करी, ये सिंपल लग रहा है मुझे, तो इट इज डन बाय क्रोमेटोग्राफी, प्योरिफिकेशन ऑफ मर्करी डन बाय, नो 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 नॉट क्रोमेटोग्राफी, इट्स डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 2 हो जाएगा इसका, तो 2 हो जाएगा। प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकन, जर्मेनियम एंड सिलिकन जोन रिफाइनिंग, तो 2 और 1 बीच का 2, बी ऑप्शन आ गया इसका भी। इम्प्योर मेटल टू वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स, इसमें बनता है मॉन्स प्रोसेस में बनता है, बी का 3 हो गया और ए का 4 हो गया। कलर्ड बैंड्स कहाँ मिलेंगे? क्रोमेटोग्राफी में मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस AU गोल्ड, तो ए का 4 यहीं से आंसर आ गया। फ्रोस्ट रोटेशन सल्फाइड ओर्स होते हैं, ZnS की ये भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो इसका बी का 2 हो गया बिल्कुल सही, इसका तो हो गया 4, इसका हो गया 2। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसका करेंगे? एल्यूमिनियम का करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव हाई रिएक्टिव मेटल। जोन रिफाइनिंग किसकी करेंगे आप? अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, ये भी हो गया, ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओर्स हैं, डिप्रेसेंट हैं, इनके केमिकल फॉर्मूले से मैचअप करने हैं तो कर लेते हैं। डिप्रेसेंट NaCN मैंने बोला भी था, अभी भी बोला था, तो सी का तो 2 है, यहीं से आंसर आ गया, एक सी, ठीक है, ए का 3 सी ओ, सफायर सी ओ, स्फेलराइट किसको बोलते हैं? बी का 4 ZnS को, कोरंडम Al2O3 1 बिल्कुल से, ये पूछा भी गया है, बहुत से बच्चे कोरंडम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, प्रोसेसेस और रिएक्शंस मैच करिए, देख लेते हैं करके। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए, ये रहा 1, इससे आया क्या आंसर? इससे ही आ गया, लो। रिवर्बरेटरी फर्नेसेस, ये रहा Fe की रिएक्शंस। ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी होती है? आयरन के लिए होती है, बी में 3 आ गया। ए और इसमें ए का ब्लिस्टर्ड कॉपर, ये रहा ब्लिस्टर्ड कॉपर, ये जो निकला ये रहा 2 वाला, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस, टू द पॉइंट आंसर्स, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। ओके, दैट्स इट, सो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस्ड। बेसिकली यार, ये जो चैप्टर है मेटलर्जी, है ना, ये थोड़ा सा अपने को, है ना, प्रोसेसेस और रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, तो आई विश कि आप एक बार NCERT ज़रूर रीड कर लें, है ना। इस डिस्कशन के बाद भी आपको लगता है कि यार मुझे इन प्रोसेसेस में या जो वर्ड्स आए या टर्मिनोलॉजीज आए वो ऑप्शंस क्लियर नहीं है या मुझे और देखना पड़ेगा, है ना, इन सब के बारे में, तो एक बार प्लीज रेफर NCERT, है ना, नीट के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। NCERT में जो जो लाइंस हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो अगर आप NCERT को प्लीज रीड करेंगे, अगर अच्छे से NCERT के रीड मारेंगे तो आप बहुत कुछ आगे सिंपली कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो
ये फॉलो करें मेटलर्जी जैसे चैप्टर के लिए, है ना, मेटलर्जी ही एक थोड़ा ऑड चल जाता है, तो इसके लिए आप ये एनसीईआरटी से ज़्यादा ना करें, इतना काफ़ी है, और पीवाईक्यू कर लें बहुत, एग्जाम्पल तो यहाँ पे हो ही चुके हैं। ठीक है जी, तो यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है, और मस्त रहो, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।